हेलो दोस्तों, वेलकम टू इमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का इमेजिंग क्लास में स्वागत है। एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे है और आज की डेट में लेटेस्ट न्यूज़ है, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 2019 का जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट पेपर वन का डिक्लेयर हो चुका है। तो देखेंगे कि कटअप क्या है, तो उसका पीडीएफ को देखेंगे कि आखिर सिविल का कटअप कितना गया है कैटेगरी वाइज और मैकेनिकल का कटअप कितना है। जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और वह अच्छे से पेपर टू की तैयारी करें और क्वालिफाई करें, फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाएं और अच्छे से तैयारी करें। तो उससे पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन हो तो आपको पहले मिलेगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन जो नोटिस दिया गया है उसमें कटअप क्या है। बारी बारी से देखेंगे सिविल का मैकेनिकल का, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 2019 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट पेपर वन फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर अपियरिंग इन पेपर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो कटअप देखते हैं। देखिए सिविल का जो कटअप है, देखिए सिविल का देखते हैं, सिविल का तो सिविल इंजीनियरिंग एससी का कैटेगरी जो एससी का जो है उसमें 101.70 जिसमें 843 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और एसटी का जो कटअप है 102.61 जिसमें 834 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और ओबीसी का जो कटअप है 115.93 जिसमें 1719 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और ईडब्ल्यूएस में भी 112.28 किया है जिसमें कैंडिडेट 828 का सिलेक्शन हुआ है, और जनरल का जो कटअप है 123.52 है, और ओवेज का है 92.24 और एचएच का है 55.73। तो टोटल कैंडिडेट का जो सिविल में सिलेक्शन हुआ है पेपर टू के लिए वो 4750 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है जरूर कमेंट करें और जितना हो सके उतने अच्छे से तैयारी करें और पेपर टू को भी निकालें और मेडिकल में क्वालिफाई करके अच्छे से सिलेक्शन लें, इसीलिए अभी से तैयारी करने स्टार्ट कर दें। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है मैकेनिकल का। तो मैकेनिकल का जो कटअप है, देखिए मैकेनिकल का एससी का जो कटअप है 140। आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो कटअप होता है बहुत ज़्यादा जाता है सिविल के एज कम्पेयर टू सिविल, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में जो है वैकेंसी बहुत ही कम रहती है, सिविल में बहुत ज़्यादा वैकेंसी होता है इसीलिए लोग कटअप कम जाता है, लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का कटअप हमेशा हाई रहता है। तो एससी में जो कटअप गया मैकेनिकल का 140.59 और एसटी का जो है वो देखिए एसटी का 135.88 और ओबीसी का 153.26 और जनरल ईडब्ल्यूएस का जो है 151 और जनरल का जो है 157.47 और ओवेज का जो है 127.29 और एचएच का 92.49। तो टोटल कैंडिडेट जो है इसमें मैकेनिकल में 931 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो अच्छे से तैयारी करें पेपर टू के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तई इन्फॉर्मेशन देखना था आज की डेट पे 1 मार्च 2021 के बीच डेट में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, और आप अपना मार्क्स जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं या नॉट क्वालिफाई किए हैं वे 8 मार्च 2021 से ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना आंसर अपना मार्क्स देख सकते हैं। 8 मार्च से 28 मार्च के बीच अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन करके अपना मार्क्स देख सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।